देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण विरोधी स्टैंड रहा है भारतीय जनता पार्टी। 2015 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो गुरु संगठन है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है। और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत। और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार बिहार की विधानसभा ने, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से ही मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना होगा, इसलिए केंद्र सरकार उसको नहीं मान रही थी। राज्य सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय गणना करवा रही है, लेकिन इस बीच में जो नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, तीन बार चुनाव हुआ, वो कहीं से उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इनकी नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने। भाजपा तो सीधा कह रही है आप लोग आरक्षण विरोधी है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में रद्द हुई थी, सीधा आप लोग ऊपर हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम, 2006 में पंचायती राज नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय के नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित अनुसूचित जाति अति पिछड़ा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, और उस पर तीन चुनाव हो गया और उसको किस तरह भाजपा वाले लोग ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, ये देख लीजिए। तो काले सच उनके उजागर हो रहा है, कैसे है ये सब चीज आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे। परिवार बाद में आप लोग फंस चुके हैं, सीधे कह रहे हैं कि परिवार बाद में आप लोग फंस चुके हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशिक विकास का नींव यहाँ रखी और उसके लेकर जो है हम चारों तरफ चौमुखी विकास किए,
हमारे नेता जो है अति पिछड़ा पिछड़ा सभी समाज के वर्गों को लेकर प्रतिबद्ध है उनके आरक्षण के लेकर कि सभी लोग को जो मुख्यधारा जो पिछड़ा है उसको मुख्यधारा में जोड़ने का, और हमारे रहते हमारे नेता के रहते ये जो आरक्षण है समाप्त नहीं होगा। बीजेपी के काले सच को और उसका कुटिल चाल को बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता जान चुकी है और उनका खेल खत्म हो गया है और वो 24 में वो उनको समझ में आ जाएगी। सत्ता कह रहे हैं कि पोल खोल जनता दल अपनी खोल रही है। अरे सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे, अमर्जादी लोग हैं, उनके बातों को हम लोग उनके बयानों को हम लोग नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते हैं। शकुनी चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री बनने की बात भी कहे हैं नीतीश कुमार को, शकुनी चौधरी के दम पे मुख्यमंत्री बनने। अरे आप देख रहे हैं बिहार की जनता ही 2005 से लगातार उनमें आस्था व्यक्त करते हुए उनके नीति सिद्धांत हमारे नेता के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए जनादेश दिया है यहाँ।